मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर में दो दिन की राहत के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। जी हां, मंगलवार को भी हल्की राहत मिलेगी, लेकिन फिर गर्मी की तेजी से शुरुआत होगी। इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने के आसार है। वहीं इसी दौरान लू भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आशंकित रूप से बादल छाए रहने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में लंबे समय तक लू से कुछ राहत मिली। वहीं अब भीषण लू का एक और दौर शुरू होने जा रहा है। इसके बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 40 और 24 डिग्री सेल्सियस के पार रह सकता है। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, इसके बाद तापमान में हर दिन इजाफा होने के आसार है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी गुरुवार से लू का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से 1 मई तक के लिए भीषण लू का पूर्वानुमान देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।